श्रीगंगानगर में बीजेपी नेता कैलाश मेघवाल पर किसानों ने किया हमला, फाड़े कपड़े। राजस्थान के श्रीगंगानगर में राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान किसानों ने भाजपा कार्यकर्ता और एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश मेघवाल के कपड़े फाड़ दिए। अब किसानों ने बीजेपी ने कैलाश मेघवाल पर किया हमला। राजस्थान के श्रीगंगानगर में राज्य सरकार के खिलाफ हो रहे भाजपा के जिला स्तरीय प्रदर्शन में शामिल होने आए हनुमानगढ़ के भाजपा कार्यकर्ता और एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश मेघवाल के किसानों ने महाराजा गंगा सिंह चौक पर कपड़े फाड़ दिए। अचानक भाजपा कार्यकर्ता कैलाश मेघवाल के कपड़े फाड़े जाने के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। पुलिस ने कैलाश मेघवाल को किसानों से छुड़वाया। इस तनाव के माहौल के बीच भाजपा के धरने की ओर कूच कर रहे किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया। पुलिस को हल्का बल प्रयोग कर किसानों को खदेड़ना पड़ा। पुलिस द्वारा किए गए हल्के बल प्रयोग में कुछ किसान कार्यकर्ताओं को चोटें भी आई। फिलहाल श्रीगंगानगर जिला कलेक्ट्रेट, महाराजा गंगा सिंह चौक, भगत सिंह चौक रोड पर तनाव का माहौल बना हुआ है। एहतियात के तौर पर पुलिस टीम को जगह जगह तैनात कर दिया गया है। किसान मोर्चा के सामने आके ये चुनौती नहीं दी है आपने। इस गंगानगर के और इस प्रदेश के एक एक किसान के बेटे के सामने, एक एक मजदूर के बेटे के सामने ये चुनौती दी है, और इस चुनौती का सामना गंगानगर जिले का किसान और गंगानगर जिले के विद्यार्थी नौजवान इस आपकी चुनौती का सामना बखूबी करेगा। हम ये कहना चाहते हैं कि पदमपुर के अंदर जो कमी रही थी, उस कमी को पूरा करने का काम इससे ये सिर्फ किसान मोर्चा गंगानगर में आज गंगा सिंह चौक पे पूरा करेगा। हमारी दलित बहनों को आगे करके जिस तरीके से 16-16 किसान नेताओं पे झूठे मुकदमे, आज वे छेड़छाड़ के मुकदमे, एससी के मुकदमे करवाए, उनको कहना चाहते हैं कि अगर आप अपने सच्ची माँ के बेटे हैं तो आपसे ये गुजारिश है कि हमारी बहनों को साइड में करिए, खुले मैदान में आइए। आप बता देंगे हमें कि आपको ऐसी एससी कैसे लगती है और छेड़छाड़ कैसे होती है। साथियों, ये जो